रहमान रहीम। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हैविंग द फॉलोइंग रूट्स 1 और 5। यानी 1 और 5 से मिलाकर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये 1 और 5, ये सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, एस सम ऑफ रूट्स है ये जो दिए गए, उनका सम निकालना है। और जो दूसरा आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सम है 1 + 5 इक्वल टू 6 एंड प्रोडक्ट है 1 × 5 इक्वल टू 5। तो इक्वेशन जो है वो हमारे पास बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसकी हमेशा ये फॉर्म होगी। ये हमेशा आपने याद रखना है, यहाँ पे हमेशा सम आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज जो ये निकाली हैं वो प्लेस कर देनी है। ये हमेशा फार्मूला आप याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ये फॉर्म बनेगी इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम जो है 6 आ गया, माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट की जगह आ गया 5, ये इसका आंसर है। अब हम इसका एज पार्ट देखते हैं, उसके रूट्स ये दिए गए हैं 3 + √2 और 3 − √2। इनका सम निकाल लें, सम पहले निकालते हैं, मैं सम लिख नहीं रही। सम क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये देखें, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कटिंग हो गई, तो इसका आ गया जी आंसर 6। और अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 + √2 इंटू 3 − √2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये बराबर आ गया 3 स्क्वायर बराबर आ गया 9 के, और माइनस 2 √ के साथ कट गया तो 2 आंसर आ गया। तो इसका जवाब आ गया 7। अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो ये होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास आया था, सम आया था 6, माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज 2.5 का, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो देन फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम दैट रूट्स। पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने सम और प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, आपने इस इक्वेशन से ये जो ऊपर दी गई है इसको इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा सम जो है वो आ गया माइनस बी बाय ए, जो पहले भी आप करते रहे हैं। अब बी इसमें है -3 -3 और ए है इसमें 1, तो इसका आंसर आ गया 3। और प्रोडक्ट निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा, वो है सी बाय ए, तो सी है इसमें 6 और ए है 1, तो जी आंसर आ गया 6। अब जो आगे हमने इक्वेशन बनानी है इन रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, इनका तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो गिवन रूट्स हैं ना इनको इस्तेमाल करते देन हम इक्वेशन बनाएंगे। अब 2 α 2 β + 1 ये दिए गए हैं हमें रूट्स, इनको पहले सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 α + 1 इंटू प्लस इसको करना है
टू बीटा प्लस वन, इनका सम क्या बन जाएगा, टू ए अल्फ़ा प्लस टू बीटा प्लस टू। तो ये जी टू अल्फ़ा और बीटा में से कॉमन ले लें। अब ये अल्फ़ा बीटा की ये जो वैल्यू आई हुई है थ्री, ये यहाँ हम पुट कर देते हैं, थ्री प्लस टू, ये जो हमें पीछे इक्वेशन दी हुई थी, टू थ्री ज़ार सिक्स, सिक्स प्लस टू एट। अब आगे हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है पी, ये हमने एस निकाला है सम, और ये अब हम पी निकालने लगे हैं। पी में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टू अल्फ़ा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन। अब इनका प्रोडक्ट निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें, टू टू ज़ार फोर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस टू अल्फ़ा, ये वन से मल्टीप्लाई होके प्लस टू बीटा प्लस वन वन। अब ये फोर अल्फ़ा बीटा, इसमें से टू कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस वन। तो ये वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे सिक्स, सिक्स आ गई, और टू अल्फ़ा प्लस बीटा की है थ्री प्लस वन। तो फोर सिक्स रहा ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स प्लस वन, तो ये कितना बन गया, थर्टी थर्टी वन। तो इक्वेशन इसकी आ गई जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एट एक्स और प्लस थर्टी वन इक्वल टू ज़ीरो, ये इसका आंसर है। अब इसी एक्सरसाइज 2.5 का है क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रोसीजर सेम है, इसमें कहा गया अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है, अब इन इनके इसके सम और प्रोडक्ट निकालना है, फिर इनको मल्टीप्लाई और सम निकाल के तो अपनी इक्वेशन बनानी है, सेम पिछले की तरह है। अब ऊपर वाली इक्वेशन से पहले सम निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा वो आ गया माइनस बी बाय ए, तो ये आ गया जी माइनस पी ओवर वन, तो माइनस पी, और प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा बीटा सी बाय ए, तो क्यू बाय वन क्यू। अब नेक्स्ट जो है आपने क्वेश्चन इसको यूज़ करना है, इनको यूज़ करते हुए आपने नेक्स्ट बनानी है इक्वेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी। अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर, सम निकालें पहले। अब अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर इस फार्मूले से निकालना है सम से, अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा, अब इसके लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर आप लेते हो वो बराबर आता है अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा। तो ये हमने वैल्यू निकाली है, इसमें हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई क्यू। तो ये आ गया जी हमारे पास पी का स्क्वायर प्लस माइनस टू क्यू, और ये वैल्यू आ गई अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर। प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट ही आ गया अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया क्यू का स्क्वायर। तो अब नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली है पी स्क्वायर माइनस टू क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इधर एक्स आ जाएगा बस, देन ये दैट्स दिस फाइनल आंसर।